पंजाब के जालंधर से एक तस्वीर सामने आई थी जिस पर लिखा था वुमेन फ्रेंडली ठेका, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जालंधर शहर के लांबा पिंड चौक पर खुले इस ठेके की फोटो सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब में महिलाओं के लिए अलग से शराब ठेका खोलने की कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। इस मामले को लेकर जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने जालंधर के लांबा पिंड चौक पर खुले इस ठेके की जांच करवाने का फैसला किया है, जिसके बाद शाम होते होते ठेके से वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड हटा दिया गया। इस पर पंजाब कांग्रेस के मुखिया अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ट्वीट कर पंजाब सरकार को घेरा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। और औरतों को जड़ा इस पास लाया जाए सरासर गलत है, और इस गल का कि शराब प्रेम जड़ा है वह भगवंत मान का जग जाहर है कि जो बतौर एम पी से उन्होंने दारू पीती हुई तो डिक्की च कार च बैठे हुए तो पिछे पत्रकार लगे हुए थे, तो वो आप जो जो कुछ कर रहे हैं मान साहब आप क्या पंजाब की संस्कृति का आप बेड़ागर करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा जोड़ा है एक्साइज का पैसा बढ़े, सो इसलिए पुर जोर असं लिखे। इस मामले को लेकर जब विवाद खड़ा हुआ तो ठेके से वुमेन फ्रेंडली बोर्ड हटा दिया गया। ठेकेदार का कहना है कि जब शराब लेने के लिए आने वाली महिलाओं का कहना था कि पुराने ठेकों से वो शराब खरीदने में असहज महसूस करती थी, इसी वजह से हमने वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड लगाया था, लेकिन अब इसे मिटा दिया गया है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग का कहना है कि पंजाब में अन्य शराब ठेकों की तरह ये ठेका है, महिलाओं के लिए अलग से ठेका खोला जाना एक अफवाह है। ठेके पर क्यों वुमेन फ्रेंडली लिखा गया, इसकी जांच हम आगे करवाएंगे।